दोस्तों आपका स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक और शानदार मकान दिखाने के लिए। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं ये दो मकान आपको मिलने वाले हैं, टू साइड ओपन रहेंगे। 60-60 गज में आपको ये दो मकान मिल जाएंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एक ये मकान आपको मिल रहा है और एक ये, तो दो मकान आपको मिल जाएंगे। आपके बजट में रहने वाले हैं 60 गज का ये आपको मकान मिलेगा। और आप ये देख सकते हैं रोड्स भी आपकी यहाँ पर 30-30 फुट की यहाँ पर आपको रोड मिलने वाली है। एरिया काफ़ी शानदार है, पीछे आपको सहारा होम्स के मकान मिल जाएंगे। सोसाइटी काफ़ी अच्छी है, चारों तरफ ये चौराहे पे है, बिल्कुल चौराहे पे आपको ये मकान मिलने वाला है। आपके बजट में रहने वाला है, लोन मिल जाएगा, सारी फैसिलिटी मिलने वाली है। लाइट्स की फैसिलिटी देखिए, पानी की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं अंदर, आपको चल के दिखाता हूँ कि मकान कैसा रहने वाला है और किस तरीके से बनाया गया है। चलिए चलते हैं अंदर। तो चलिए आपको एक बार अंदर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मकान बनाया गया है। 60 गज में मकान बनाया गया है, लेकिन आप देखिए तरीका क्या है, कितना शानदार तरीके से बनाया गया है। ये आपको एक गैलरी मिल जाएगी छोटी सी, जिसमें आप अपना सोफा डाल सकते हैं, ड्राइंग रूम की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, आपको ये फ्रंट में ही आपको, जैसे कि आप यहाँ पर बाइक खड़ी कर सकते हैं आपकी, ये आपको थोड़ा सा एरिया मिल जाएगा पार्किंग के लिए। ये आपको ड्राइंग रूम मिल जाएगा, काफ़ी शानदार तरीके से बनाया गया है। बाहर से आपको विंडो दी गई है, मेन रोड पर विंडो है, 20 फुट की ये रोड है, साइड में आपको 30 फुट की रोड दी गई है। तो ये देखिए पेंट वर्क, आप देखिए कितना टेक्सचर के साथ यहाँ पर आपको पेंट वर्क मिल जाता है। और फोर सीलिंग देखिए, आपको हर कमरे में आपको फोर सीलिंग दी जाएगी। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से ये रूम डिज़ाइन किया गया है। इससे अटैच आपको यहाँ पर कॉमन वॉशरूम मिल जाएगा, जिसमें टाइल्स आपको 8-8 फुट तक दी गई हैं। और ये देखिए आपको यहाँ से एक किचन मिल जाएगी, जिसका भी स्पेस काफ़ी अच्छा है। ये देखिए किचन में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है कि स्पेस नहीं होता, इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा। और जो विंडो दी गई है वो आपको 30 फुट रोड में मिलने वाली है, तो वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपका धुआं होगा वो बाहर जाएगा, घर के अंदर नहीं रहने वाला है। और देखिए मेन लिविंग एरिया जो रहेगा उसके ऊपर आपको काफ़ी अच्छी फोर सीलिंग दी गई है। यहाँ से आप स्टेयर्स देख सकते हैं, ऊपर जाने के लिए रास्ता दिया गया है। और एक रूम आपको पीछे मिल जाएगा, जो कि आपका मास्टर बेडरूम रहने वाला है। इसमें भी आपको दो गेट मिलने वाले हैं, एक तो फ्रंट की साइड से 30 फुट की रोड है, जो उस साइड से आपको एक गेट मिल जाएगा। ये आपकी 30 फुट की रोड रहने वाली है, विंडो दी गई है, वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको इंतजाम दिए गए हैं। और आप फोर सीलिंग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हर पार्ट में आपको फोर सीलिंग मिल जाएगी। और टेक्सचर देखिए, पीछे आपको वॉल का टेक्सचर बहुत शानदार दिया गया है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी करा सकते हैं, जैसा आपको पसंद आए आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पर टेक्सचर बनवा सकते हैं। और यहाँ पर आप टाइल्स देख सकते हैं, टाइल्स का वर्क दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा काम चल रहा है लकड़ी का, पूरा वर्क कभी फिनिश होने ही वाला है। बाकी आप देख सकते हैं क्वालिटी देखिए प्रोडक्ट्स की, लाइट की, ये देखिए स्विचेस जो हैं वो सारे काफ़ी शानदार स्विच दिए गए हैं। और यहाँ फोर सीलिंग के अंदर भी आपको कंसील लाइट्स मिलने वाली हैं। तो देखिए 60 गज का मकान होने के बावजूद कितना शानदार तरीके से बनाया गया है। छोटा है लेकिन काफ़ी स्पेशियल लगता है, कम मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि ये मकान 60 गज का है, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है, तो काफ़ी स्पेशियस लगता है। बाकी ऊपर लेके चलता हूँ आपको, एक बार ऊपर से दिखाता हूँ किस तरह का व्यू रहने वाला है, क्योंकि जो एरिया है वो बहुत शानदार रहने वाला है। जो जगह है बिल्कुल मेन मार्केट कह सकते हैं आपको। ये देखिए कुछ इस तरह का आपको ऊपर से व्यू मिलने वाला है। ये पीछे आप देख सकते हैं, इसके पीछे आपको वेव सिटी मिल जाएगी, सहारा होम्स के यहाँ पर आपको सोसाइटी मिल रही है। और यहाँ पे भी आपको बहुत ही शानदार मकान, देखिए मेरे सामने भी काफ़ी शानदार मकान दिए गए हैं। फ्रंट में आपको मिलेगी 20 फुट की रोड और साइड से आपको मिल रही है 30 फुट की रोड, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलेगी। ये देखिए आपको यहाँ पर बाउंड्री मिल जाएगी, ये देखिए यहाँ पर लाइट की इशू नहीं है, यहाँ पर सबमर्सिबल भी मिल जाएगी आपको, सारी फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। 60 गज का मकान है, और जो प्राइस रहने वाला है वो आपके बजट में रहने वाला है।
जो प्राइस रेंज रहेगा वो मात्र 25 लाख रुपए। 60 गज का मकान आपको 25 लाख में मिल रहा है। काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छी डील है ये। देखिए काफ़ी स्पेशियस है और यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। लाइट मिल जाएगी, पानी की सुविधा मिल जाएगी, सबमर्सिबल मिल जाएगा, तो ऐसा कोई इशू रहने वाला नहीं है। लाइट की फैसिलिटी भी यहाँ 24 आवर्स रहती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको ये मकान कैसा लगा, कोई कमी हो वो बता सकते हैं। प्राइस जो रहने वाला है 25 लाख रहेगा, बाकी 80% आपका लोन हो जाएगा और आप यहाँ पर मात्र 2.5 लाख रुपए देके एंटर कर सकते हैं, रहना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपका जो भी लोन होगा वो चलता रहेगा। तो जितने में आप किराया दे रहे हैं उससे बेटर है कि आप अपने मकान में रहें। किराया जितना दे रहे हैं उतने में आपकी EMI बन जाएगी और आप इस शानदार घर में रह सकते हैं। जो एरिया रहेगा मानसरोवर पार्क रहने वाला है, गाज़ियाबाद के लाल कुएं पर, NH-24 से मात्र 400 मीटर दूरी पर और NH-91 से मात्र 300 मीटर की दूरी पर आपको ये मिल जाएगा एरिया। और यहाँ पर खास बात क्या रहने वाली है, 2023 में यहाँ पर मेट्रो काम स्टार्ट होने वाला है, तो इस वजह से प्राइस जो है हाइक पर हैं थोड़े से। पिछले कुछ टाइम से भी यहाँ पर काफ़ी प्राइस बढ़े हैं क्योंकि NH-24 जब से आपको पता होगा प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है उसने बनना स्टार्ट किया, तो उसके बाद यहाँ के रेट बढ़ने लगे हैं। और जब से ये खबर आई कि 2023 में यहाँ पर मेट्रो स्टार्ट होने वाली है तो उसके बाद भी काफ़ी प्राइस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। पिछले एक साल में ही काफ़ी ज़्यादा हाइक हुआ है। तो अगर आप बिज़नेस के पर्पज़ से लेना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो दोस्तों आप जैसे चाहे लेने के पर्पज़ से चाहे या फिर बेचने के पर्पज़ से चाहे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मुझे बताना मत भूलना किस तरह की आपको वीडियो चाहिए। तो दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।